बड़वानी जिले के छिंदवाड़ा एसडीएम सहित कुसमी तहसीलदार पर रेत माफिया द्वारा प्राणघातक हमले सहित अभद्रता के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। राज्य प्रशासनिक संघ इकाई बड़वानी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा। संघ से जुड़े सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी रहेंगे हड़ताल पर। छिंदवाड़ा में एसडीएम और कुसमी के तहसीलदार पर रेत माफियाओं द्वारा किए गए हमले और अभद्रता को लेकर बड़वानी राज्य प्रशासनिक सेवा से जुड़े बड़वानी इकाई के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा इस कृत्य की निंदा कर कलेक्टर बड़वानी को ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही बताया गया है कि संघ ने इस घटना को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय भी लिया है। बड़वानी से अतुल कुमाऊत की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा में एसडीएम के साथ जो कालिक पोतने वाली जो घटना घटी थी उसके विरुद्ध में बड़वानी जिले के सभी राजस्व ज्ञापन दिया हुआ है। ये राज्य प्रशासनिक सेवा संघ बड़वानी इकाई के द्वारा आज हम लोगों ने कलेक्टर सर को ज्ञापन दिया है। चोरई के जो एसडीएम है छिंदवाड़ा जिले में, उनके ऊपर जो हमला हुआ है और अभद्र व्यवहार किया गया है इसके संबंध में, और लवलेश मिश्रा जो तहसीलदार कुसमी थे उनके ऊपर भी जो रेत माफिया ने प्राणघातक हमला किया उसकी हम लोग पूरे राज्य प्रशासनिक सेवा भर्सना करते हैं। और आगामी दिनों में हमने अभी हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।